नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 40 स्टार प्रचारक हैं जो कि उपचुनाव में प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं। सीएम मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बनाए गए हैं स्टार प्रचारक, तो साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रचार करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और दोनों डिप्टी सीएम भी स्टार प्रचारक होंगे। तो बुधनी और विजयनगर सीट पर उपचुनाव होने हैं। 13 नवंबर को उपचुनाव है और उसके लिए स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, जिनमें शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम है, साथ ही मोहन यादव और वीडी शर्मा तो है ही। आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। आकाश, पूरा दमखम बीजेपी लगा रही है इन दोनों सीटों के लिए, स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। देखिए, बुधनी और विजयपुर दो विधानसभा की सीटें हैं जहां पर 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को नतीजे आने हैं, और इन दोनों सीटों के लिए कांग्रेस बीजेपी जो मध्य प्रदेश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, दोनों ने अपने प्रत्याशी भी घोषित किए हैं, नामांकन भी दाखिल कर दिया गया है। और अब जो स्टार प्रचारकों की सूची है वो सामने आई है। कल देर रात कांग्रेस पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, आज भारतीय जनता पार्टी ने भी 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। अगर बीजेपी के स्टार प्रचारकों की बात करें तो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का गढ़ भी कहा जाता है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा मध्यप्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी दोनों उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला और जगदीश देवड़ा के साथ ही पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कई जो पूर्व मंत्री, मंत्री और विधायक हैं उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया, जो इन दो सीटों पर पहुंचकर चुनाव प्रचार करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस के अगर स्टार प्रचारकों की सूची की बात करेंगे हम, तो कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव समेत कई बड़े नेताओं के नाम हैं। इसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हैं, सचिन पायलट को भी रखा गया है, लेकिन नकुलनाथ जो कमलनाथ के बेटे हैं और इसके पहले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सीट से वो सांसद भी रहे, उनका नाम कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में देखने को नहीं मिला है। दरअसल विजयपुर सीट इस वजह से खाली हुई क्योंकि रामनिवास रावत कांग्रेस के टिकट से विधायक थे, बाद में उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा, बीजेपी में शामिल हुए, हाल ही में बीजेपी ने उन्हें मंत्री बनाया और अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। बुधनी विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सांसद चुने जाने के बाद रिक्त हुई है और इस सीट पर भी उपचुनाव किया जाना है। यहाँ से बीजेपी से रमाकांत भार्गव चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि विजयपुर सीट से कभी कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे रामनिवास रावत इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों ही सीटों पर अच्छा मुकाबला भी देखने को मिलेगा। 13 नवंबर को यहाँ पर मतदान होगा और 23 को नतीजे आएंगे, जिसका इंतजार दोनों विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को है। जी शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें सीएम मोहन यादव, वीडी शर्मा समेत ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं।